अखाड़ा में आज बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन हुए या शिशुपाल, सौ भूल उनकी माफ होंगी कि नहीं। आज आपको रूस और यूक्रेन युद्ध की वो खबरें दिखाने जा रहे हैं जो आपने कहीं नहीं देखी होंगी। ऐसी खबरें जो दो देशों के बीच किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। ऐसी खबरें जो ये बताएंगी कि अब रूस और यूक्रेन युद्ध किस पड़ाव पर पहुंच चुका है। कई लोगों का मानना है कि एक निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है। अब यह आर पार की लड़ाई बहुत जल्दी होने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं साइबेरिया से आई बहुत बड़ी खबर, जहां पुतिन के आदेश के बाद सैनिकों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है और साइबेरिया में खुल के वहां रिजर्व का रिक्रूटमेंट चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए। रूस के 3 लाख सैनिक तैयार हो रहे हैं यूक्रेन से युद्ध लड़ने वाले नए जंगबाज। क्या पूरा होगा पुतिन का मकसद? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जब से पुतिन ने रूस में सैन्य लामबंदी यानी 3 लाख सैनिकों की भर्ती का ऐलान किया है, उसके बाद से पूरे रूस में एक तरफ जहां हड़कंप मचा है, तो वही दूसरी ओर ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिनमें पुतिन के ऑर्डर को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये साइबेरिया का आर्मी सेंटर है जहां नए सैनिकों की भर्ती की जा रही है। इन लोगों को युद्ध लड़ने का फरमान सुनाया जा चुका है, लिहाजा एक एक सैनिक नई ड्रेस पहनकर जंग के मैदान में यूक्रेन से दो दो हाथ करने की तैयारी कर रहा है। कोई सेना की नई जर्सी पहनकर कर रहा है, कोई हथियारों को संभाल रहा है, कोई सेना के जूते पहन रहा है, तो कोई अपनी पोस्टिंग के दस्तावेज पर साइन कर रहा है। युद्ध में जाने की इन तैयारियों के बीच पुतिन के फैसले पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें उन सैनिकों की हैं जिन्हें पुतिन के आदेश के बाद जंग के मोर्चे पर भेजा जा रहा है। लेकिन युद्ध में जाने से ठीक पहले इन सभी सैनिकों पर होली वाटर छिड़का जा रहा है, यानी जंग में सब कुछ ठीक हो और पुतिन की ये नई सेना अपने मकसद में कामयाब हो। लेकिन इन्हीं तस्वीरों में कुछ तस्वीरें ऐसे लोगों की भी हैं जिन्हें जंग में भेजने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन उन्हें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भेजा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इन सैनिकों में ऐसे लोगों को भी भर्ती किया गया है जो बुजुर्ग हैं। 63 साल के उस बुजुर्ग को भी सेना में भर्ती किया गया जो डायबिटीज के पेशेंट है और उसे स्ट्रोक्स का खतरा है। अपने रिटायरमेंट से पहले ये शख्स मिलिट्री यूनिट के लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में डिप्टी कमांडर थे। उन्हें इस भरोसे के साथ सेना में भर्ती किया गया है कि ये आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में लोगों की मदद करेंगे। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि पुतिन का यह दांव इसलिए भी उल्टा पड़ सकता है क्योंकि बहुत से लोग युद्ध में बिना अपनी मर्जी के जा रहे हैं। लोगों को युद्ध में जान गंवाने का डर सता रहा है। अब तक हजारों लोग यूक्रेन युद्ध से बचने के लिए रूस छोड़ चुके हैं। कई लोग सेना में भर्ती से बचने के लिए अपने हाथ पैर तोड़ने को तैयार हैं। लोग ये देख चुके हैं कि पुतिन के फैसले के बाद रूस की सेना को यूक्रेन में कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यही वजह है कि पुतिन का सैन्य लामबंदी वाला फैसला दोधारी तलवार साबित हो सकता है। एक धार दुश्मन पर भारी पड़ सकती है और दूसरी खुद रूस पर। अब रूस में 3 लाख सैनिकों की रिजर्व, ये रिजर्व भर्ती, ये अभियान तेजी से पकड़ रही है, चल रहा है। लेकिन इस भर्ती के विरोध में लोग रूस छोड़कर लगातार भाग भी रहे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां रूस के नागरिकों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। कई जगह वीजा लेकर रूस के आपको बताते हैं कि रूस के किन देशों को की तरफ लोग भाग रहे हैं, रूस के रूसी लोग किस तरफ भाग रहे हैं। अब रूस के आसपास के कई बॉर्डर्स हैं। अब दागिस्तान के पास जॉर्जिया है, यहां अब देखिए दागिस्तान में वैसे ही विरोध हो रहा है और दागिस्तान से सीधा जॉर्जिया लोग जा रहे हैं। तुर्की की तरफ भी जा रहे हैं जहां वीजा की आवश्यकता नहीं। आर्मेनिया है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है और फिर फिनलैंड और बेलारूस तो है ही।
पर फिनलैंड और बेलारूस की तरफ ज्यादा लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बेलारूस तो आप जानते हैं वैसे ही व्लादिमीर पुतिन के अधीन है, तो कितने रूसी वहां जाएंगे और वहां रहेंगे और वहां भर्ती होगी कि नहीं ये पता नहीं। लेकिन हाँ, फिनलैंड की तरफ लोग जाते हुए दिख रहे हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, तुर्की, पर सबसे ज्यादा जॉर्जिया, क्योंकि जॉर्जिया की सीमाएं रिपब्लिक ऑफ देगिस्तान से लगकर हैं, जहां देगिस्तान में सबसे ज्यादा हमने इस रिजर्व के ऐलान के खिलाफ, लामबंदी के खिलाफ हमने विरोध